भारत के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन जी और हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद यशो नाइक जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री जनरल बिपिन रावत, एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया, नेवी चीफ एडमिरल करमवीर सिंह, आर्मी चीफ जनरल नरावने और उत्तर प्रदेश में उद्योग मंत्री श्री सतीश महाना जी, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश एंड ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर्स, एम्बेसडर्स फ्रॉम अवर फ्रेंडली कंट्रीज एंड लीडर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर यहां पधारने का कष्ट किया है। मैं मानता हूं कि कई दृष्टिकोण से डिफेंस एक्सपो का कंसेप्चुअलाइजेशन तथा इसका लखनऊ में आयोजन, यह हमारे प्रधानमंत्री जी की ही सोच का परिणाम है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह देखकर गर्व होगा कि इस साल डिफेंस एक्सपो जिस बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है वह डिफेंस एक्सपो के एक दशक के अपने इतिहास में बेजोड़ है और यह आयोजन 40 देशों के डिफेंस मिनिस्टर, 172 से ज़्यादा फॉरेन फॉर्म्स तथा 1000 के आसपास एग्जिबिटर्स की मौजूदगी से भव्यता की नई बुलंदियों को छू चुका है। साथ ही इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव का भी आयोजन इस बात का सबूत है कि डिफेंस एक्सपो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक साथ लाने और जोड़ने के लिहाज से कितना बड़ा और अहम प्लेटफॉर्म बन गया है। मित्रों, डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 कई मायनों में पिछले आयोजनों से काफ़ी अलग है और इसका लक्ष्य इनोवेटर्स तथा मैन्युफैक्चरर्स, पब्लिक तथा प्राइवेट सेक्टर एवं इंडिजिनस एवं फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को इस प्रकार के साथ लाना और जोड़ना है जो पहले कभी नहीं किया गया है। इस पूरे आयोजन का मैग्नीट्यूड और स्केल हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नए भारत के विजन एवं भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक पावर हाउस के रूप में स्थापित करने के संकल्प की अभिव्यक्ति है। हालांकि पावर हाउस के रूप में स्थापित करने की यहां संकल्प ही है, वहीं पर इस इवेंट की भव्यता के बारे में पहले ही कई आंकड़े दिए गए हैं, फिर भी मैं इन आंकड़ों को पिछली उपलब्धियों के साथ ही साथ भविष्य के प्रयासों के साथ भी जोड़ना चाहूँगा जो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए तैयार किए गए हैं। इसको हम डिफेंस मिनिस्ट्री की 3P स्ट्रेटजी का नाम दे सकते हैं। ये 3P हमारी हैं पॉलिसी, प्रोडक्शन और पार्टनरशिप। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अपनी पूर्ण क्षमता को हासिल करने के हमारे प्रयासों के तहत हमने डायरेक्ट रूट के रास्ते से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 49% तक और गवर्नमेंट के माध्यम से 100% तक बढ़ाया है। हमने साथ ही साथ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, डिफेंस प्रोक्योरमेंट और डिफेंस एक्विजिशन के लिए जो प्रोसीजर्स हैं उनको भी काफ़ी सरल बनाया है। देवी ओम सज्जनों, हमने पहले ही उद्योगों की स्थापना के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंसेज की व्यवस्था शुरू कर दी है और इसके साथ साथ हम बुनियादी ढांचे के विकास में भी तेजी लाए हैं तथा मैन पावर स्किलिंग और कनेक्टिविटी को और बढ़ाने पर भी हमने पूरा जोर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने यहाँ उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में कुल 2 डिफेंस कॉरिडोर्स की स्थापना की है और हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के सभी पहलुओं को एक जगह पर लाकर एक क्लस्टर के रूप में विकसित करने की दूरदृष्टि को दर्शाता है।
जिससे हमें आने वाले समय में निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा। और आज मैं दावा कर सकता हूँ कि हमारे दोनों कॉरिडोर होलिस्टिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मामले में न केवल भारत में अपितु पूरी दुनिया में बेजोड़ मिसाल बनकर उभरेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत को टेक्नोलॉजी पावर हाउस बनाने के विजन को मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। नए भारत के विकास के लिए इन कार्यक्रमों पर पूरा जोर देते हुए पिछले 5 वर्षों में बड़ी ईमानदारी और लगन के साथ काम किया गया है और यह बतलाते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि इसके अपेक्षित परिणाम अब आने भी प्रारंभ हो गए हैं। यह सारी पहल न केवल भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस को मजबूती देने का इरादा रखते हैं बल्कि एक सुनहरे भविष्य का यह भरोसा भी दिलाते हैं। और मैं मानता हूँ कि अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया का एक बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर कर सामने आएगा। प्रोडक्शन पॉलिसी के बारे में कहना चाहूँगा, भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ प्रोडक्शन या उत्पादन का है, जिसमें से मेक इन इंडिया सबसे महत्वपूर्ण और अभिन्न बिल्डिंग ब्लॉक है। भारत अब हथियारों का नेट इम्पोर्टर बनकर संतुष्ट नहीं है, हम इस तस्वीर को बदलने का पक्का इरादा कर चुके हैं। देवियों सज्जनों, हम अपनी कई प्रमुख आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी क्षमता बनाने के लिए पूरी तरह संकल्पित हैं। हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में नेट इनोवेटर के साथ साथ नेट एक्सपोर्टर बनने के लिए भी इरादा पक्का कर चुके हैं। और मुझे आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट जो 2017-2018 में अप्रॉक्सीमेटली 4,500 करोड़ के थे, अब वह बढ़कर 2018-2019 में 10,700 करोड़ पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा इस प्रयास में इंडियन प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। लगभग 50 कंपनियों ने पहले ही क्षेत्र में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है और यह संख्या निरंतर तेजी के साथ बढ़ रही है। हम मेक इन इंडिया और ऑफसेट पॉलिसी के माध्यम से अपने डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य भारत के डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को मेजर फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ इंटीग्रेट करना है, जिससे भारतीय कंपनियों को हाई एंड वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म्स का उत्पादन करने का अवसर मिल सके। हमारी इंडिजिनस और कोलैबोरेटिव डिफेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से अगले 5 वर्षों में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट में काफ़ी वृद्धि होने की भी संभावना बन गई है। हमारी 3P स्ट्रेटजी का तीसरा मजबूत स्तंभ पार्टनरशिप है। हमारे द्वारा लिए गए पॉलिसी इनिशिएटिव्स के कारण भारत का दुनिया भर के देशों के साथ संबंध एक बायर सेलर के संबंध से कहीं अधिक मजबूत साझेदारियों वाले देश में बदल गया है, यानी पार्टनरशिप वाले देश के रूप में बदल गया है। हम जानते हैं कि तेजी से बदल रही इस दुनिया में कोई भी कंपनी या देश केवल अपनी इंडिजिनस और इनहरेंट स्ट्रेंथ पर ही निर्भर रहकर अलग थलग रहकर काम नहीं कर सकता है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कोऑपरेशन यानी सहयोग यह बहुत खास महत्व रखता है और एक विन विन सिचुएशन बनाने के लिए दुनिया भर की कंपनीज अपनी क्षमता और ताकत को साझेदारियों के माध्यम से आपस में साझा भी कर रही हैं। अब सप्लाई चेन्स केवल लोकल लेवल पर काम नहीं करती है बल्कि अब हर जगह वह ग्लोबल हो रही है। देवियों सज्जनों, भारत में किफ़ायती, कारगर और कामयाब डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस देने के लिए दुनिया भर से कंपनियां एमओयूज के माध्यम से भारत आ रही हैं। भारत के पास बड़ा बाजार है, नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, सॉफ्टवेयर नोहाउ और तेजी से विकसित हो रही डिफेंस इंडस्ट्री को देखते हुए भारत इस क्षेत्र में एक फैसिलिटेटर और कोलैबोरेटर के रूप में काम करने के लिए एकदम उपयुक्त स्थान है। एक जिम्मेदार ताकत के रूप में
भारत यह भी मानता है कि डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट को स्ट्रेटजिक रिक्वायरमेंट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इस तरह के एक्सपोर्ट्स के माध्यम से इंपोर्टिंग नेशन की लेजिटिमेट नीड्स को पूरा करना चाहिए और शांति व सुरक्षा को बनाने में एक योगदान के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। देवियों सज्जनों, डिफेंस प्रोडक्शन और मेक इन इंडिया प्लेटफॉर्म्स के एक्सपोर्ट में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। आज हमारे यहाँ दुनिया भर से बेस्ट इनोवेटर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और टेक्निकल एक्सपर्ट्स यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का नेतृत्व करने वाले भारत की मेधा शक्ति भी यहाँ पर मौजूद है। मैं उनकी उपलब्धियों पर उन्हें बधाई देता हूँ और कहना चाहता हूँ, आप सबका यहाँ होना हमारे लिए गर्व का विषय है और साथ ही हमारे लिए यह खुशी का भी विषय है। देवियों सज्जनों, इंडिया पेवेलियन भारत की डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को भविष्य में झांकने के लिए एक झरोखा है। इसमें जाकर सबको भारत का भविष्य देखना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी और ऑटोनोमस सिस्टम्स, इंटरनेट ऑफ मिलिट्री थिंग्स और इंडस्ट्री 4 जैसी टेक्नोलॉजीज पर जोर भारत सरकार और हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की प्रायोरिटीज को एक्सप्रेस करता है। मित्रों, साइंस और टेक्नोलॉजी पूरी तरह से नए डोमेन्स में प्रवेश कर रही है, जिसका असर भविष्य में यदि लड़ाई हुई तो लड़ी जाने वाली जंग और जंग के मैदान की जमीनी हकीकत को बदल देगा। तेजी से बदलते हुए तकनीकी दौर में पार्टनरशिप और प्रोडक्शन को ऊंची उड़ान देने के लिए हम इनोवेशन और आइडिएशन पर बराबर जोर देने का काम कर रहे हैं। भारतीयों में हर हालत के अनुरूप खुद को ढालने की एक कला भी है और क्षमता भी है, जो उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही हमारे पास ज्ञान और शिक्षा की भी शक्ति के रूप में मानने की एक लंबी परंपरा है। अब यही समय है कि हम इन शक्तियों का उपयोग एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए करें जिसमें शांति की स्थापना की भावना सर्वोपरि हो। हमें और इन शक्तियों का उपयोग कट्टरवादी विचारधाराओं और आतंकवाद को हराने के लिए करना ही चाहिए। देवियों सज्जनों, यह डिफेंस एक्सपो दुनिया भर के लीडर्स और इंडस्ट्री कैप्टन्स को भारत आने और यहाँ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद साझेदारियां बनने के लिए एक सुनहरा अवसर भी है। यह उन जवानों के लिए भी एक अवसर है जो अपनी किस्मत को आजमाते हुए अपने सपनों को पूरा करने का हौसला रखते हैं। मैं आपको भारत सरकार की ओर से यह भरोसा दिलाता हूं कि हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशन का हिस्सा बनने के लिए युवाओं को हर जरूरी मौका देंगे और उसके लिए यहाँ पर एक मजबूत जमीन भी तैयार करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ये चुनौती स्वीकार करें और मेक इन इंडिया को सफल बनाने में हमारी मदद करें। भारत के रक्षा मंत्री और लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में मैं एक बार फिर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाले शहर लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और पुनः एक बार अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऊंचाई देने का काम किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और लखनऊ के बारे में कहना चाहूंगा, यह लखनऊ शहर तहजीब, नजाकत और नफासत के लिए जाना जाता है। यहाँ आतिथ्य की उन भारतीय परंपराओं का पूरी तरह से निर्वाह किया जाता है जो यह मानती हैं, अतिथि देवो भव। आपका यहाँ आना और रहना सुखद हो, यह हमारी शुभकामना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डिफेंस एक्सपो 2020 की शानदार सफलता की कामना करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।